बोसोन्स सुन लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हिंग बोसोन्स को आप गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द हिंग बोसोन इज अ एलिमेंट्री पार्टिकल। अभी तक आप क्या मान के चलते थे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटे पार्टिकल हैं, इनसे छोटा पार्टिकल नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन वो भी जो है उससे भी छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, क्वार्क से मिलके बना हुआ है। तीन क्वार्क से मिलके प्रोटॉन बना हुआ है, तीन क्वार्क से मिलके ही न्यूट्रॉन बना हुआ है। तो इन क्वार्क्स को, इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। तो हिंग बोसोन्स क्या है? हिंग बोसोन्स इज अ एलिमेंट्री पार्टिकल इन अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अ पार्टिकल फिजिक्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्वांटम एक्साइटेशन ऑफ अ हिंग फील्ड्स, वन ऑफ द फील्ड इन द पार्टिकल फिजिक्स थ्योरी। इट इज नेम आफ्टर द फिजिसिस्ट पीटर हिंग्स के नाम पे। इनका, इसका नाम हिंग्स पार्टिकल, हिग्स बोसोन्स पड़ा है, हिग बोसोन्स, हु इज 1964 अलोंग विद हिज फाइव अदर साइंटिस्ट प्रपोज बाय हिंग मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन वाई पार्टिकल हैव मास। तो क्या था कि ये एक रिसर्च कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, तो उसमें इक्वेशन को जब वो सॉल्व करते थे तो उसमें जब वो इन पार्टिकल का मास रखते थे तो वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते थे। अगर उन पार्टिकल को वो मासलेस कंसीडर करते थे तो वो इक्वेशन सॉल्व हो जा रही थी। तो वो कंफ्यूज थे कि पार्टिकल में मास कैसे होता है। अगर हम बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल की भी बात कर रहे हैं, जैसे क्वार्क्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इनमें भी मास कैसे होता है। तो उस पर कुछ, फिर उन्होंने एक थ्योरी दी कि जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसी तरीके से, या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी तरीके से हिंग फील्ड्स होती है जो बॉडी को मास प्रोवाइड करती है। अगर कोई बॉडी उसमें मूव कर रही है तो वो जितना ज्यादा उससे इंट्रैक्ट करेगी उतना ही ज्यादा वो मास गेन करेगी। तो वहां से उन्होंने कंसेप्ट दिया, और शुरू में उनकी ये थ्योरी एक्सेप्ट भी नहीं हुई, लेकिन फिर बाद में जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, एक रिसर्च लैब स्टैब्लिश की गई एट लास्ट में, CMC एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर स्टैब्लिश किया गया, और वहां से हिंग फील्ड में से हिंग पार्टिकल, हिंग बोजोन प्रोड्यूस किया गया। वो अलग बात है कि वो हिंग बोजोन जो है सिर्फ कुछ टाइम के लिए स्टेबल था और फिर वापस अदर एलिमेंट्री पार्टिकल में वो डिके हो गया। और इसकी वजह से इनको 2013 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला है हिंग बोजोन्स को, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि सबसे मैटर होता है, मैटर से छोटा क्रिस्टल होता है 10^-9, फिर एटम होता है 10^-10 मीटर, फिर एटॉमिक न्यूक्लियस होता है 10^-14 मीटर, उनसे छोटे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियॉन्स जो है हमारे 10^-15 के ऑर्डर के होते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बने हैं जिन्हें हम क्वार्क्स बोलते हैं, जो डायमेंशन 10^-18 के मीटर के होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल वॉज बिल्ड विद द सेट ऑफ सिमेट्रीज इन द माइंड एंड द पर्टिकुलर वेज दी सिमेट्रिकल ब्रेक्स डिटरमाइन द स्पेक्ट्रम ऑफ अलाउड पार्टिकल। दे स्टिल रिक्वायर अस टू पुट इन द फंडामेंटल कॉन्स्टेंट दैट डिटरमाइंस द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पार्टिकल प्रॉपर्टीज, बट द जेनरिक प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्योरी विद सिक्स क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स होते हैं, थ्री विद ईच कलर, थ्री चार्ज लैप्टॉन्स होते हैं, एंटी लैप्टॉन्स होते हैं, थ्री न्यूट्रॉनियंस एंड एंटी न्यूट्रॉनियन होते हैं, एट मासलेस ग्लूकॉन्स होते हैं, थ्री वीक बोजोन्स होते हैं, वन मासलेस प्रोटॉन होता है, और वन हिंग बोजोन्स एज डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड मॉडल इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम भी दिखा रखा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम का जो साइज है वो 10^-10 मीटर के अराउंड है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 10^-18 मीटर के साइज का होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा 10^-14 मीटर के ऑर्डर का है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 10^-15 मीटर के ऑर्डर के हैं, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्वार्क्स से मिलके बने हैं, और ये जो क्वार्क्स हैं ये भी 10^-19 मीटर के ऑर्डर के हैं। तो यहाँ पर दिख भी रहा है कि जो न्यूट्रॉन है वो DDU क्वार्क से मिलके बना है, डी फॉर डाउन क्वार्क, यू फॉर अप क्वार्क, और प्रोटॉन हमारा UUD क्वार्क से मिलके बना है, ठीक है। फिर ये हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है एक्चुअल वाला, इसमें हमने सेंटर में हिंग बोजोन रखा है, हिंग बोजोन के चारों तरफ हमारे गेज बोजोन्स हैं YGZW, जिसकी वजह से हम फील्ड की बात करते हैं। उसके अलावा हमारे पास फर्मियोन्स और बोजोन्स हैं, फर्मियोन्स में क्वार्क्स हैं हमारे, ठीक है, UCTDSB, और हमारे पास लैप्टॉन्स हैं, टाउ म्यू ई न्यू टाउ न्यू
म्यू एंड न्यू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे लैप्टॉन्स और क्वार्क्स का मॉडल है, तो दिखा रखा है कि किस तरीके से स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल से हमारा मटेरियल फॉर्म होता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, एक वीडियो क्या है उसमें मैंने टोटल 6 वीडियोस रखी हैं, ठीक है। और वो 6 वीडियोस क्या हैं, एक दूसरे से लिंक करती हैं, या फिर क्या लिंक? And today, the quest to understand space on the smallest scale is continuing with one of the most expensive science experiments in history. This is CERN, the European Organization for Nuclear Research in Geneva. And here, buried a few hundred feet below the ground, is the Large Hadron Collider, the world's most powerful accelerator. With a price tag of about $10 billion, it accelerates subatomic particles to more than 99.99% of the speed of light and smashes them into each other. In the showers of debris produced by these collisions, scientists at places like this have discovered a whole zoo of strange and exotic particles. And right now, they are chasing one of the most elusive. A particle thought to be essential to shaping everything from the atoms in our bodies to the most distant stars. If this particle is found, it will redefine our picture of space and fulfill a quest begun more than 40 years ago. It all started in 1964 when a young English physicist named Peter Higgs suggested something about space that was so radical, it nearly ruined him. I was told that I was talking nonsense, that I couldn't be right. So they clearly hadn't understood what I was saying. Higgs and a few others were wrestling with a puzzle which comes down to this. The fundamental particles in the universe all contain different amounts of mass, which we usually think of as weight. Without mass, these particles would never combine to form the familiar atoms that make up all the stuff we see in the world around us. But what creates mass? And why do different particles have different masses? Try as they might, no one had been able to answer this perplexing question. Then one weekend, after a walk outside Edinburgh, Higgs had a peculiar idea. Using mathematics, he imagined space in a new way, as something like an ocean. Particles are immersed in this ocean and gain mass as they move through it. To see how this works, think of a particle's mass like an actor's fame. And the Higgs ocean is like the paparazzi. Some particles, like unknown actors, pass through with ease. The paparazzi simply aren't interested in them. But other particles, like superstars, have to push and press. And the more those particles struggle to get through, the more they interact with the ocean, and the more mass they gain. Higgs was convinced he'd made a great discovery. But when he submitted his idea to a journal at CERN, it was rejected. Undaunted, Higgs honed his theory further until he was offered the chance to present it at Einstein's old haunt, the Institute for Advanced Study in Princeton. There, he expected his new idea would meet some of its toughest critics. I was happily driving up the freeway, and then there was a sign to turn off for Princeton. Now, that really confronted me with what I was going into. I broke out in a cold sweat and started trembling, and I had to pull off the road to recover. But Higgs persevered. It was the first in a series of talks that would convince colleagues far and wide that he was onto something profound. Eventually, I sort of wore them down. I felt I'd sort of triumphed.
so I enjoyed the parties which followed. Today, the idea Higgs pioneered, called the Higgs field, is crucial to our understanding of space. The Higgs field is everywhere. It's something that even in the emptiest vacuum of space has an effect. It gives you mass. So I think Higgs actually deserves credit for being one of the people that said space is stuff. It has properties in it that are intrinsic, that you can't get rid of. You can't turn them off. The only problem? There's no physical proof that the Higgs field exists. At least not yet. But here at CERN, scientists are attempting to smash particles together with so much energy that they will knock loose a piece of the Higgs field, producing a tiny particle of its own. It's as if they're trying to chip off a piece of space. We think that if we knock into space hard enough with particle accelerator collisions, that we can actually make a Higgs particle come out of empty space. Our whole understanding of matter as we now have it would just fall apart if the Higgs field didn't exist. I don't think anybody seriously doubts that we will see it. Certainly, if we don't, that would be an extremely bizarre outcome. Finding the Higgs particle would be a major milestone. If you've had any interest in physics at all, you've heard about a thing called the Higgs boson. But just what is it, and why is it interesting? In 1964, a physicist by the name of Peter Higgs took some ideas that were floating around at the time, added an insight or two of his own, and proposed that there was an energy field that permeated the entire universe. This energy field is now called the Higgs field. The reason he proposed this field was that nobody understood why some subatomic particles had a great deal of mass, while others had little and some had none at all. The energy field that Higgs proposed would interact with the subatomic particles and give them their mass. Very massive particles would interact a lot with the field, while massless particles wouldn't interact at all. To better understand the idea, we can use the analogy of water and swimmers. In our analogy, the water serves the role of the Higgs field. A barracuda, being supremely streamlined, interacts only slightly with the field. It can move through it very easily. The barracuda would then be similar to a low-mass particle. In contrast, my buddy Eddie, no stranger to donuts, can only move very slowly through the water. In our analogy, Eddie is a massive particle made massive by interacting a lot with the water. The lightest of the familiar subatomic particles is the electron, while in the subatomic world, the king of mass is the top quark. It weighs about as much as an entire atom of gold, about 350,000 times more than the electron. I'd like to stress that we believe the top quark is not more massive because it's bigger. It's not. In fact, we believe that both the top quark and the electron are exactly the same size. Indeed, they both have zero size. The top quark is more massive than the electron simply because it interacts more with the Higgs field. Actually, if the Higgs field didn't exist, neither of these particles would have any mass at all. Now, in the press, you don't hear about the Higgs field, but rather the Higgs boson. How are these two things related? The Higgs boson is the smallest bit of the Higgs field. To understand how that works, we should again return to water. Everyone knows what water is. If you're immersed in it, you know that water is everywhere. It's a continuous medium, and there are no holes in it. We also know that water is made of molecules, specifically H2O. If you hold these two ideas in your head with the realization that water consists of countless individual molecules, you can now begin to appreciate the Higgs boson. The Higgs field that gives subatomic particles their mass is made of countless individual Higgs bosons, just like water is made of individual molecules. You should keep in mind that the Higgs boson hasn't been discovered yet, and what I'm describing is simply the most popular idea as to why subatomic particles have the masses that they do. As I speak, my colleagues and I are studying data taken at huge particle accelerators to see if this idea is true. Stay tuned.
If you were a fish, would you know that the entire world in which you existed was contained in a substance called water? You probably wouldn't even know it because you had always been in it. You could not see, breathe, travel, or exist outside of it. Water would just be there, and you would take it for granted. You'd probably not even know that it was a substance that you were living in. It would just be kind of a liquid field that permeates your entire world. We humans also live in such a field that permeates the entire universe we live in, without which we could not exist. What is this field, and what does the God particle have to do with it? I'll explain in the next 3 minutes. In the second half of the 20th century, physicists developed something called the standard model of particle physics. Nearly all phenomena and the underlying particles that make up the ultimate building blocks of the universe can be explained by this model, except gravity. This model consists of 12 fundamental particles that make up all matter and 4 particles called bosons responsible for 3 fundamental forces of nature: strong force, the weak force, and electromagnetism. Gravity is another force. It is not part of this model, but it can be modeled using general relativity. With the recipe provided in the standard model and gravity, we can pretty much build everything in the entire universe. However, up until 2012, the standard model had a gaping flaw. According to its underlying theory, all force-carrying particles should be massless. So although the photon is indeed massless, experiments show that the weak forces bosons have mass. So here was a promising model that could be used to explain our universe, but perhaps it would need to be thrown out because it had the seemingly fatal flaw in being inconsistent regarding the way the weak force worked. In the late 1950s, physicists had no idea how to resolve these issues. All attempts to solve this problem just seemed to create new theoretical problems. Then in 1964, a group of physicists, including Peter Higgs, hypothesized that perhaps the force particles were massless, but gained mass when they interacted with an energy field that permeated the entire universe. We tend to think of mass as an intrinsic property of all things, yet physicists believe that without the Higgs boson, mass fundamentally doesn't exist. The Higgs field was thought to be responsible for the fact that some particles that should not have mass do. It is, in a sense, the universal medium which gives particles their mass. And without mass, the universe would not exist. So the Higgs boson is so important that it was sensationally labeled the God particle by journalists. How does it work? Well, it is theorized that different particles interact differently with the field. The particles that interact with it more intensely have greater mass than particles that don't interact with it as much. Let's use the analogy of the water. Certain shapes, like a pointed-nosed fish, would be able to flow very quickly through the water because of its low resistance, while a block would have higher resistance and would interact with the water to a greater degree. Subatomic particles interact with this Higgs field in a similar way. Particles that don't interact as much with the Higgs bosons in the Higgs field have lower mass, and particles that interact with more Higgs bosons as they move through the field have higher mass. Just like H2O makes up water, the Higgs boson makes up the Higgs field. The Higgs boson was only a theory up until 2012. When the Large Hadron Collider confirmed its existence. According to the standard model now, the Higgs field exists throughout space via the Higgs mechanism. This field causes the bosons of the weak force to be massive. When the weak force bosons acquire mass, this affects their range, which becomes very small. It was later realized that the same Higgs field also explains why other fundamental constituents of matter, like electrons and quarks, also have mass. So like the fish need water to breathe, we need the Higgs field to exist. So two guys walk into a bar. Really? No, seriously. Two guys walk into a bar, an ice cream bar. Dave, a physicist working on the Large Hadron Collider at CERN, the European Laboratory for Particle Physics, and Steve, a blues singer. Dave, how's it going? Steve,
Good to see you. Two scoops of chocolate almond for me. Vanilla shake. Hey, I just saw something about the LHC on TV. You guys found bozo in your detector? Well, not exactly. We found a boson, probably the Higgs boson. What's that? That's a particle. Don't you find particles all the time? Yes, but this one means that the Higgs field might really exist. Field? What field? The Higgs field. It's named after Peter Higgs, although many others contributed to the idea. It isn't a field like where you grow corn, but a hypothetical, invisible kind of force field that pervades the whole universe. Okay. If it pervades the whole universe, how come I've never seen it? It's a bit strange. Well, actually, it's not that strange. Think of the air around us. We can't see it or smell it. Well, perhaps in some places we can. But we can detect its presence with sophisticated equipment, like our own bodies. So the fact that we can't see something just makes it a bit harder to determine whether it's really there or not. All right, go on. So we believe this Higgs field is all around us, everywhere in the universe. And what it does is rather special. It gives mass to elementary particles. What's an elementary particle? An elementary particle is what we call particles that have no structure. They can't be divided. They're the basic building blocks of the universe. I thought those were atoms. Well, atoms are actually made of smaller components, protons, neutrons, and electrons. While electrons are fundamental particles, neutrons and protons are not. They're made up of other fundamental particles called quarks. Sounds like Russian dolls. Does it ever end? Actually, we don't really know, but our current understanding is called the Standard Model. In it, there are two types of fundamental particles, the fermions that make up matter and the bosons that carry forces. We often order these particles according to their properties, such as mass. We can measure the masses of the particles, but we never really knew where this mass came from or why they have the masses they do. So how does this Higgs field thing explain mass? Well, when a particle passes through the Higgs field, it interacts and gets mass. The more it interacts, the more mass it has. Okay, I kind of get that, but is it really that important? I mean, what if there were no Higgs field? If there were no Higgs field, the world wouldn't exist at all. There'd be no stars, no planets, no air, no anything, not even that spoon or the ice cream you're eating. Oh, that would be bad. Okay, but where does this Higgs boson fit into things? All right, now, you see the cherry in my shake? Can I have it? No, not yet. We have to use it as an analogy first. Ah, right, the cherry's the Higgs boson. No, not quite. The cherry is a particle moving through the Higgs field, the shake. The shake gives the cherry its mass. I get it. Okay, so the molecules of the shake are the Higgs bosons. Well, you're getting closer. It takes an excitation of the Higgs field to produce a Higgs boson. So, for example, if I were to add energy by, say, dropping this cherry in the shake... Ah, then the drops that spill on the bar are the Higgs bosons. Almost. The splash itself is the Higgs boson. Are you serious? Well, that's what quantum mechanics teaches us. In fact, all particles are excitations of fields. Okay, right. Well, I kind of see why you like particle physics. It's quite cool. Strange, but cool. Yeah, you could call it a bit strange. It's not like everyday life. The Higgs boson is an excitation of the Higgs field. By finding the Higgs boson, we know that the Higgs field exists. Right, so now you've found it. We know this Higgs field exists. You must be done. Is there anything left for particle physics? Actually, we've just begun. It's a bit like, you know, when Columbus thought he had found a new route to India. He'd indeed found something new, but not quite what he was expecting. So first we need to make sure that the boson we found is actually the Higgs boson. It seems to fit, but we need to measure its properties to be sure. How'd you do that? Take a lot more data. This new boson lives for only a very short time before it breaks down or decays into lighter, more stable particles. By measuring these particles, we learn about the properties of the boson. And what exactly are you looking for?
Well, the standard model predicts how often and in what ways the Higgs boson would decay to the various lighter particles. So we want to see if the particle we have found is the one predicted by the standard model, or if it fits into other possible theoretical models. And if it fits a different model? That would be even more exciting. In fact, that's how science advances. We replace old models with new ones if they better explain our observations. Right, so it seems like finding this Higgs boson gives a direction for exploration, a bit like that Columbus guy heading west. Exactly, and this is really just the beginning. दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिटेल में समझा था। हमने जाना था कि क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स और फोर्सेस कैसे बनते हैं तथा वो किस वजह से काम करते हैं। पर स्टैंडर्ड मॉडल में दो महत्वपूर्ण चीजों को एक्सप्लेन करना बाकी रह गया था, जिसमें से पहला था हिग्स बोसोन, जिसे आप गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, तथा दूसरा था ग्रेविटॉन। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे हिग्स बोसोन के बारे में तथा ये भी कि इसे गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं और इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है। हिग्स बोसोन की कहानी शुरू हुई थी मास के कारण, इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मास क्या होता है। अगर टेक्निकल टर्म में कहूं तो यह किसी बॉडी के इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। अब अगर साधारण शब्दों में कहूं तो कोई भी बॉडी, चाहे रेस्ट में हो या फिर मोशन में, जब आप उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी तरफ से एक रेजिस्टेंस महसूस करते हैं। इस रेजिस्टेंस को ही हम मास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब एक स्थिर ट्रेन को आप धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप उसके मास को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर अभी भी आप मास को नहीं समझ पाए हैं तो चलिए इसे और थोड़ा आसान बना लेते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जिसका अपना कोई मास ना हो, वो वैक्यूम में हमेशा लाइट की रफ्तार से यात्रा करता है, जैसे कि फोटॉन्स। यानी कि आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो लाइट की रफ्तार से यात्रा नहीं कर रहा, उसका अपना कुछ मास जरूर होगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मास को वेट समझने की गलती बिल्कुल ना करें। वेट में ग्रेविटी का भी योगदान होता है, जबकि मास का इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए किसी भी बॉडी का मास ब्रह्मांड में हर जगह पर सेम ही रहता है, जबकि उसका वेट अलग अलग ग्रहों पर उस ग्रह की ग्रेविटी के आधार पर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु का अपना एक मास होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मास आता कहां से है, तो आप कहेंगे उस वस्तु के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, यानी कि उन पार्टिकल से जिससे वो बना है। जैसे कि एक ट्रेन का मास उसके अलग अलग पुर्जों के मास का कॉम्बिनेशन होता है। पर अगर हम क्वांटम लेवल पर देखें तो क्वार्क्स और लेप्टन्स ही मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि उनसे छोटा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये पार्टिकल्स किसी और चीज से नहीं बने हैं, इन्हें पूरी तरह से मासलेस होना चाहिए, पर असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का भी अपना मास होता है और अलग अलग तरह से क्वार्क्स का भी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन पार्टिकल्स में मास आता कहां से है? इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो इन्हें मास दे रहा है? सवाल ये भी है कि जब क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स में मास होता है तो फोटॉन्स मासलेस क्यों होते हैं? 1960 के दशक में फिजिसिस्ट ने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बिहेवियर के आधार पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार किया, जिससे वो इन पार्टिकल्स को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। पर इस इक्वेशन ने उन्हें और भी परेशान कर दिया। दरअसल जब वो ये एज्यूम करते कि सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स, पूरी तरह मासलेस होते हैं, तो वो इक्वेशन भी आसानी से सॉल्व हो जाता और उस सॉल्व इक्वेशन के आधार पर किए गए प्रेडिक्शंस भी पूरी तरह सही होते, जिन्हें कई बार एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया। पर फिजिसिस्ट जानते थे कि इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स मासलेस नहीं होते। ऐसे में जब वो उसी इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स के मास को एज्यूम करके सॉल्व करने की कोशिश करते, तो वही इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स और इनकंसिस्टेंट हो जाता। फिजिसिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सलूशन क्या है।
ऐसे में पीटर हिग्स सामने आए और उन्होंने अपनी नई थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने हिग्स फील्ड और हिग्स बोसोन के मौजूद होने का प्रेडिक्शन किया। ये थ्योरी क्या है, आइए इसे समझते हैं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, इस ब्रह्मांड में हर जगह और हर समय काल में पार्टिकल्स नहीं फील्ड्स मौजूद हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इत्यादि। इन फील्ड्स में एनर्जी देने से पार्टिकल्स बनते हैं तथा इन फील्ड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने से पार्टिकल नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन फील्ड में एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, क्वार्क फील्ड में एनर्जी दी जाए तो क्वार्क्स बनेंगे और किसी अन्य फील्ड में एनर्जी दी जाए तो कोई अन्य पार्टिकल बनेंगे। ये फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट भी करते रहते हैं। पीटर हिग्स का कहना था कि ऐसा ही एक फील्ड होता है, हिग्स फील्ड, जो बाकी फील्ड्स की तरह ही ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद होता है। इस फील्ड में एनर्जी देने से बनते हैं हिग्स बोसोन। उनका मानना था कि असल में सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स फोटॉन्स की तरह ही बिल्कुल मासलेस होते हैं, पर यह हिग्स फील्ड ही है जो उन्हें मास प्रदान करता है। अब आपके मन में अगला सवाल ये उठ रहा होगा कि ये होता कैसे है। आइए जानते हैं कि ये कैसे होता है। हिग्स फील्ड में एंटर करने से पहले सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स बिल्कुल मासलेस होते हैं, यानी कि चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, क्वार्क्स हो या फिर फोटॉन्स, सबके सब बिल्कुल मासलेस होते हैं। पर हिग्स फील्ड में एंटर करने के बाद इनमें से कुछ पार्टिकल्स हिग्स फील्ड के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं और कुछ कम। जो पार्टिकल हिग्स फील्ड से जितना ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं उनका मास उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, और जो पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से जितना कम इंटरैक्ट करते हैं उनका मास उतना ही कम हो जाता है। जैसे कि फोटॉन्स हिग्स फील्ड से बिल्कुल न के बराबर इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए ये मासलेस ही रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हिग्स फील्ड में थोड़ा इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए उनका मास कम होता है, जबकि क्वार्क्स हिग्स फील्ड से ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए इनका मास ज्यादा होता है। अगर आप अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए इसे इस साधारण से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रूम में एक कॉकटेल पार्टी चल रही है जिसमें केवल फिजिसिस्ट मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे से फिजिक्स के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अगर उस रूम में कोई साधारण सा अकाउंटेंट आ जाए तो उसमें उन फिजिसिस्ट की कोई रुचि नहीं होगी, इसलिए उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो आसानी से बार काउंटर पर पहुंच जाएगा। पर उसी रूम में अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन पहुंच जाए तो सारे फिजिसिस्ट उन्हें घेर लेंगे, जिसके कारण उन्हें उसी काउंटर पर पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। यह रूम में मौजूद फिजिसिस्ट को आप हिग्स फील्ड मान लीजिए, रूम में पहले आए अकाउंटेंट को फोटोन मान लीजिए और आइंस्टाइन को क्वार्क, यानी कि जिस पार्टिकल के साथ हिग्स फील्ड का जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उस पार्टिकल का मास उतना ही ज्यादा होगा। 1964 में पीटर हिग्स ने एक मशहूर फिजिक्स जर्नल में मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए अपनी ये थ्योरी पब्लिश की, पर इस थ्योरी को उस समय नकार दिया गया। इसलिए नहीं क्योंकि उनके मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई दिक्कत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बात किसी को हजम नहीं हुई कि इनविजिबल फील्ड्स पार्टिकल्स को मास भी दे सकते हैं। पर हिग्स ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी थ्योरी कई और फिजिक्स जर्नल में पब्लिश की। जिन फिजिसिस्ट ने उनकी थ्योरी को गहराई से समझा उन्हें ये काफी कन्विंसिंग लगी, जिसके कारण इस थ्योरी को बाद में फिजिसिस्ट का काफी सपोर्ट भी मिला। इस समय तक फिजिसिस्ट केवल मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर ये उम्मीद कर रहे थे कि हिग्स फील्ड का इस दुनिया में अस्तित्व होना चाहिए, पर केवल मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता था। इसलिए तैयारी शुरू हुई इस फील्ड को एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट करने की, और निर्माण किया गया दुनिया के सबसे विशाल मशीन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का। परेशानी ये थी कि हिग्स फील्ड इनविजिबल होता है, यानी कि इसे देखना असंभव है। ऐसे में इनकी मौजूदगी का पता कैसे लगाया जाए? मैथ्स ने हमें बताया कि अगर हमारी सोच सही है और हिग्स फील्ड हर जगह मौजूद है तो एक छोटे से स्पेस में अगर हम चार्ज पार्टिकल्स को आपस में हाई स्पीड से टकराएं तो ये टकराव हिग्स फील्ड में कुछ देर के लिए हलचल पैदा कर देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी में दो नाव के टकराने के बाद पानी में हलचल पैदा हो जाता। हिग्स फील्ड में मचा ये हलचल जन्म देगा हिग्स बोसोन पार्टिकल्स को, जिसे हम देख भी सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी तरह हिग्स बोसोन पार्टिकल मिल जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि हिग्स फील्ड भी इस दुनिया में मौजूद होते हैं। इसी सोच के साथ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में चार्ज पार्टिकल्स को लाइट के 99.9% स्पीड के साथ टकराया जाता और उस डीके पैटर्न की तलाश की जाती जो मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर हिग्स बोसोन का डीके पैटर्न होना चाहिए। फिजिसिस्ट काफी दिनों तक इसकी तलाश करते रहे पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। दिन था 4 जुलाई 2012 जब CERN ने यह घोषणा की कि उन्होंने हिग्स बोसोन को डिटेक्ट कर लिया है। इस खोज ने पीटर हिग्स की थ्योरी को पूरी तरह सही साबित कर दिया, जिसके लिए उन्हें 2013 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
आशा करता हूं कि अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि हिग्स फील्ड क्या है और ये क्या करता है। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि हिग्स बोसोन दूसरे पार्टिकल्स को मास प्रदान करते हैं, पर सच्चाई ये है कि ये हिग्स फील्ड का काम है, न कि हिग्स बोसोन का। हिग्स बोसोन तो मात्र वो पार्टिकल्स होते हैं जो हिग्स फील्ड से बनते हैं। आइए अब जानते हैं कि हिग्स बोसोन को लोग गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं तथा ये हिग्स फील्ड हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी तरह भगवान यानी कि गॉड से संबंधित है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सच्चाई नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हिग्स बोसोन नहीं बल्कि ये हिग्स फील्ड होता है जो पार्टिकल्स को मास प्रदान करता है। अगर हिग्स फील्ड नहीं होता तो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स मासलेस होते। हम जानते हैं कि मासलेस पार्टिकल्स हमेशा लाइट की रफ्तार से यात्रा करते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइट की रफ्तार से यात्रा कर रहे होते। इस रफ्तार से यात्रा करने के कारण न तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे होते और न ही न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कभी निर्माण हो पाता। यानी कि इस दुनिया में न ही एटम होते, न ही मॉलिक्यूल्स, न ही मैटर और न ही कुछ और, यानी कि इस दुनिया का अस्तित्व ही संभव नहीं हो पाता। हिग्स बोसोन का नाम गॉड पार्टिकल कैसे पड़ा ये भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल अर्ली 90s में फिजिसिस्ट लियोन लेडरमैन ने इसी विषय पर अपनी एक पुस्तक लिखी। वो पहले इस किताब का नाम गॉड डैम पार्टिकल रखना चाहते थे, पर उनके पब्लिशर को इस नाम से आपत्ति थी, इसलिए उन्होंने इस नाम को बदल कर गॉड पार्टिकल कर दिया। इसके पीछे उनका कोई लॉजिक नहीं था, उनके लिए ये बस एक अच्छा नाम था, पर मीडिया ने इस नाम को इतना हाइप कर दिया कि लोगों के बीच हिग्स बोसोन से ज्यादा गॉड पार्टिकल नाम ही पॉपुलर हुआ। हिग्स फील्ड की खोज को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। अगर पहले कारण की बात करूं तो ये सभी मौजूद फील्ड से बिल्कुल अलग होता है। हम जानते हैं कि स्पेस में कई तरह के इनविजिबल फील्ड्स मौजूद हैं, जैसे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इत्यादि, पर ये सब फील्ड्स हर जगह एक जैसे नहीं हैं। इनका इफेक्ट कहीं कम होता है तो कहीं ज्यादा, पर हिग्स फील्ड मात्र एक ऐसा फील्ड है जो ब्रह्मांड में हर जगह एक जैसा है, चाहे वो आपके कमरे में हो या फिर सुदूर मौजूद किसी अन्य गैलेक्सी में। अगर इसके बारे में हम और ज्यादा जान सकें तो हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी कई गुत्थियों को सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। हिग्स फील्ड को इतना महत्व देने के पीछे दूसरा कारण यह है कि हिग्स बोसोन के रूप में हमें मैटर का बिल्कुल नया फॉर्म देखने को मिला है। ऐसे फॉर्म पहले केवल मैथमेटिकल इक्वेशन तक ही सीमित थे। हम जानते हैं कि एक पार्टिकल में उसके मास और चार्ज के अलावा केवल स्पिन एक चीज होती है जो कभी भी बदलती नहीं है। इसका स्पीड समय के साथ न तो घटता है और न ही बढ़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स का स्पिन वैल्यू सेम होता है, जबकि फोटॉन्स का स्पिन इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स का डबल होता है, पर हिग्स बोसोन मात्र एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई स्पिन नहीं होता। तीसरा और अंतिम कारण यह है कि इससे हमें ये पता चलता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन से हम इस ब्रह्मांड के व्यवहार को न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उस चीज के बारे में भी सही सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं जिसे हमने अभी तक एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं किया है। हिग्स फील्ड को तो साल 2012 में एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया गया जब हमें हिग्स बोसोन मिला, पर इसके कई सालों पहले ही हमने मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए इसके होने का बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन कर दिया था। यही नहीं, मैथमेटिकल इक्वेशन से हमने ये भी पहले ही बता दिया था कि हिग्स बोसोन पार्टिकल का कोई स्पिन नहीं होगा, जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के एक्सपेरिमेंट से एक बार फिर बिल्कुल सही साबित हुआ। कई लोगों को ये भी गलतफहमी है कि हिग्स बोसोन इस ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार हिग्स बोसोन लगभग बनते ही दूसरे पार्टिकल्स में डीके हो जाते हैं, इसलिए हमें उनका असली साइज भी पता नहीं है। इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की तरह ट्रू पार्टिकल कहना भी गलत होगा, पर हिग्स बोसोन का मास ज्यादातर बोसोन से ज्यादा ही होता है। इनका मास लगभग 125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। मास के आधार पर इनका क्वांटम वेवलेंथ 10^-15 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनके कंपैरिजन में प्रोटॉन का क्वांटम वेवलेंथ 10^-13 सेंटीमीटर होता है। एक और सवाल आपके मन में उठ सकता है कि हिग्स बोसोन को मास कौन देता है? इसका उत्तर है हिग्स फील्ड। जी हाँ, सही सुना आपने, हिग्स फील्ड बाकी फील्ड से थोड़ा अलग होता है। बाकी के फील्ड्स में केवल कुछ जगहों पर ही एक्साइटेशन स्टेट होता है जो हमें पार्टिकल के रूप में नजर आते हैं, जबकि बाकी जगहों पर वैल्यू जीरो होता है। पर हिग्स फील्ड में हर जगह हाई वैल्यू होता है, पर ये हाई वैल्यू हिग्स बोसोन नहीं होते। हिग्स बोसोन को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा एक्साइटेशन की जरूरत होती है। चूंकि हिग्स फील्ड में हर जगह नॉन जीरो वैल्यू होता है,
हिग्स बोसोन भी पैदा होने के बाद अपने ही फील्ड से इंटरैक्ट करने लगते हैं, जिस कारण वो भी मास गेन कर लेते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्वांटम ग्रेविटी और ग्रेविटॉन के बारे में। कुछ समझ में आया? जैसे हो गए थे? नहीं मैम, आया नहीं समझ में। तब निकलते हैं और जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड। फायदा नहीं है मास प्रोवाइड, अभी बताया तो कि हिग्स फील्ड क्या करती है, मास प्रोवाइड कर रही है। बोजोन का फायदा क्या है, ये पूछ रहा हूं। हिंग ये बताया, ये भी वीडियो में बताया, हिंग बोजोन से हमें ये पता लगा हिंग फील्ड होती है। अगर वो पार्टिकल हम जनरेट नहीं कर पाते तो हम ये नहीं कह सकते थे हिंग फील्ड होती है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज पैदा करता है तो हिग्स बोसोन कुछ ऐसे जनरेट वगैरह करता है? नहीं नहीं नहीं, उससे वो खुद डीके हो जाता है। अभी अगर आप विकिपीडिया पे भी ओपन करेंगे तो देखेंगे कि उसमें क्या होता है, हिग्स बोसोन है वो, और वो स्टेबल तो है नहीं। वो क्या दिखाया भी वीडियो में कि क्या होता है कि तुरंत डीके हो जाता है अदर पार्टिकल में। तो अदर पार्टिकल में वो डीके हो जा रहा है, अभी वो अकेला तो कुछ नहीं कर पा रहा है ना, वो डिके हो जाता है। अभी उससे हम बस यही बता सकते हैं कि हिग्स फील्ड होती है, हिग्स फील्ड होती है, बस एक्सपेरिमेंटल पर्पस है उसका। हाँ, मतलब उससे ये पता लगा कि ये फील्ड होती है और वो फील्ड हमें मास प्रोवाइड करती है। मतलब हमें क्या, मतलब किसी भी मटेरियल बॉडी, जो भी जिसको भी हम बोल रहे हैं मटेरियल, वो सबको मास प्रोवाइड करती है, हर चीज को। हर चीज को। ओके चलिए।